नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, पंडित जी से जानते हैं आज किए जाने वाले व्रत के बारे में, यानी कि मंगला गौरी का व्रत, पूजा विधान क्या कुछ है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग से करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का, माँ मंगला गौरी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे आज सावन मास के दूसरे मंगलवार को किए जाने वाले माँ मंगला गौरी व्रत के विधान के बारे में। राशि अनुसार जानेंगे कि आपको कैसे पूजा करनी है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 3 अगस्त सन 2021। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज दसवीं तिथि है। आज श्रावण मास के मंगलवार को माँ मंगला गौरी व्रत का विधान माना गया है। माँ मंगला गौरी व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुयोग्य और मन वांछित वर प्राप्त करने के लिए विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति व संतान के लंबे व सुखी जीवन की कामना के लिए माँ मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। तो आज माँ मंगला गौरी का व्रत विधान अवश्य करिएगा जी। और पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे मंगला गौरी व्रत के बारे में कैसे करना है, क्या कुछ विशेष है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, क्या आपके विवाह में देरी हो रही है, क्या आपकी मैरिड लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर है? यदि हाँ तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सावन मास के मंगलवार को किए जाने वाले एक ऐसे व्रत के बारे में जिसको करने से हमारे अविवाहित दर्शक मनचाहे सुयोग्य जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विवाहित दंपति, विवाहिक मैरिड लाइफ आपकी खुशनुमा बन सकती है। तो दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में जानेंगे कैसे आज आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, राशि अनुसार माँ मंगला गौरी व्रत की पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारी अविवाहित कन्याएं दर्शक हैं, सुहागिन महिलाएं दर्शक हैं, आज सावन के मंगलवार को माँ गौरी का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर आपको करना है। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प आज माँ गौरी को आपको अर्पण करना है। ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना है। निश्चित तौर पर सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारी महिला दर्शक हैं, विशेष तौर पर अविवाहित कन्याएं और सुहागिन महिलाएं, आज माँ गौरी का अभिषेक दही से करना है। सफ़ेद मोगरे के पुष्पों का गजरा माँ गौरी को अर्पण करना है। चांदी की बिछिया माँ गौरी को अर्पण करना है। ओम गिरिजाय नमः, ओम गिरिजाय नमः, ओम गिरिजाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना है। निश्चित तौर पर सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाली जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ गौरी का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, मेहंदी अर्पण कीजिएगा, हल्के हरे रंग की लिपस्टिक माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम कामाक्षेय नमः, ओम कामाक्षेय नमः, ओम कामाक्षेय नमः, ओम कामाक्षेय नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा जी। अपन निजी कार्क सिंह कन्या, इनके लिए भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाली जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज सावन के मंगलवार को
माँ गौरी का अभिषेक दूध में शक्कर मिलाकर कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। माता रानी के चरणों के लिए चांदी की बिछिया, चांदी का पायजेब अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। तो बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाली जितनी भी हमारी अविवाहित कन्याएं दर्शक हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ गौरी का जो अभिषेक है मधु अथवा गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। शहद मिश्रित जल या गुड़ मिश्रित जल से आज माँ गौरी का अभिषेक कीजिएगा। कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, लाल चंदन अर्पण कीजिएगा, गोल्डन रंग की बिंदिया अर्पण कीजिएगा। ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाली जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज सावन के सोमवार को माँ गौरी का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, हरी चूनरी हरी ओढ़नी माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। जी और पंडित जी, अब आपसे तुला वृश्चिक धनु और मकर कुंभ मीन इन राशियों के लिए भी जानना चाहेंगे। जी आइए बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाली जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज सावन के मंगलवार को माँ गौरी का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा या मिश्री मिले दूध से करिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा अर्पण कीजिएगा। चांदी का बना हुआ नाक का काटा माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम त्रिशक्तये नमः, ओम त्रिशक्तये नमः, ओम त्रिशक्तये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाली जितनी भी हमारी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज सावन के मंगलवार को माँ गौरी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा, लाल चंदन अर्पण कीजिएगा, लाल चुनरी माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाली जितनी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज सावन के मंगलवार को माँ गौरी का अभिषेक दूध में हल्दी मिलाकर अथवा पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी माँ गौरी को अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, विशेष तौर पर अविवाहित कन्याएं, सुहागिन महिलाएं, आज सावन के मंगलवार को माँ गौरी का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा, केवड़े के इत्र से कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, काजल अर्पण कीजिएगा, पांच फल अर्पण कीजिएगा। ओम शिये नमः, ओम शिये नमः, ओम शिये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाली जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज माँ गौरी का अभिषेक सुगंधित तेल से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया अर्पण कीजिएगा। ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। अंतिम जो राशि वह मीन राशि। मीन राशि वाली जितनी भी अविवाहित कन्याएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, आज सावन के मंगलवार को माँ गौरी का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा, पीला चंदन, पीली ओढ़नी अर्पण कीजिएगा। ओम गौरिये नमः, ओम गौरिये नमः, ओम गौरिये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। तो आज सावन के दूसरे मंगलवार को
माँ गौरी की आराधना करना, माँ मंगला गौरी व्रत करना, पूजन करना, विधान करना निश्चित तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाएगा, अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति कराएगा। जी तो पंडित जी, ये तो राशियों के बारे में आपने हमें बताया, इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।